घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। 2003 में फ्रांस के राष्ट्रपति थे जैक शिराक और अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अमेरिका की बुश सरकार इराक पर हमले की तैयारी कर रही थी। अमेरिका की दलील थी कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का अलकायदा से ताल्लुक है और उसके पास महाविनाश के हथियार हैं। तब फ्रांस के राष्ट्रपति शिराक ने इस युद्ध का पुरजोर विरोध किया था। उस वक्त उन्होंने जो बात कही थी वो बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं जिससे साबित हो सके कि सद्दाम और अलकायदा का आपस में लिंक है। इस तरह गैर वाजिब वजहों से सैन्य कार्रवाई से अलग अलग समाज के लोगों में विभाजन बढ़ेगा, आतंकवाद और ज्यादा पनपेगा। शिराक सही थे, इराक पर अमेरिकी हमले को इतिहास एक गलत फैसले के तौर पर याद रखेगा। लेकिन आतंकवाद का जो खतरा शिराक ने अमेरिका के लिए बताया था, वैसा ही खतरा अब फ्रांस को डरा रहा है। गुरुवार का दिन शायद फ्रांस के लिए हाल के सालों का सबसे डरावना दिन था। दुनिया भर में फ्रांस को डराने वाली घटनाएं हुई, एक एक करके इनकी बात करते हैं। सऊदी अरब का जिद्दाह शहर दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए पवित्र मक्का और काबा से करीब महज 80 किलोमीटर दूर बसा है जिद्दाह। जिद्दाह में फ्रांस का वाणिज्यिक दूतावास है, इसकी सुरक्षा में गार्ड्स तैनात रहते हैं। गुरुवार को एक युवक चाकू लेकर वहां पहुंचा और वाणिज्यिक दूतावास के गार्ड पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हमला करने वाले और गार्ड के बीच आपस में कोई रंजिश नहीं थी, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन बेकसूर गार्ड पर हमला करने वाले को लगता था कि ऐसा करके वो धर्म की सेवा कर रहा है। गार्ड पर हमला करके वो फ्रांस के राष्ट्रपति से बदला ले रहा है। गार्ड की जान बच गई, हमलावर गिरफ्तार हो गया, लेकिन धर्म की सेवा हुई कि नहीं पता नहीं। गुरुवार को ये इकलौती घटना नहीं थी, धर्म के नाम पर बदला लेने की सबसे क्रूर घटना फ्रांस में हुई। फ्रांस के नीस शहर के नोटरडेम चर्च में रोज की तरह लोग आवाजाही कर रहे थे। भारतीय समय के मुताबिक करीब 1 बजे चर्च में 12 इंच का चाकू हाथ में लिए एक हमलावर घुसा। सबसे पहले उसने चर्च के गेट पर बैठे कर्मचारी का गला काटा। इसके बाद उसके रास्ते में एक बुजुर्ग महिला आई, हमलावर ने उसका भी गला काट दिया। फिर एक और महिला पर चाकुओं से हमला किया। वो महिला किसी तरह से बचकर पास के कैफे में पहुंची। उसने बताया कि कोई चर्च में चाकूबाजी कर रहा है। महिला को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में वो इतना ही बोल पाई कि मेरे बच्चों से कहना मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूं, और फिर महिला की मौत हो गई। उधर चर्च में हमलावर के सामने जो आ रहा था उस पर वो चाकुओं से हमला किए जा रहा था। तब तक पुलिस चर्च में आ चुकी थी। पुलिस ने हमलावर को गोली मारी और जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्दीक पर मालूम चला कि हमलावर ट्यूनीशिया का 21 साल का मुस्लिम युवक था जो कुछ दिन पहले ही फ्रांस आया था। फ्रांस के जांच अधिकारियों के मुताबिक चाकू के साथ उसके पास कुरान भी थी और लोगों ने उसे अल्लाहू अकबर के नारे लगाते सुना था। नीस वाली घटना फ्रांस के एक और शहर में हो सकती थी, लेकिन सही खुफिया जानकारी के आधार पर हमलावर को पहले ही पकड़ लिया गया। फ्रांस के लियो शहर में अफगानी मूल का संदिग्ध एक बड़े चाकू के साथ ट्राम में चढ़ने वाला था, लेकिन पुलिस ने पहले ही धर लिया। इसके अलावा फ्रांस के एक और शहर में एक युवक को पुलिस ने गोली मारी क्योंकि युवक ने अपना हथियार गिराने से मना कर दिया था। इन हमलों के बाद फ्रांस को दुनिया से सहानुभूति की उम्मीद थी। सहानुभूति मिली भी, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा उस बयान की रही जो फ्रांस के लिए नीस वाले हमले से भी ज्यादा घातक है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने इस मामले पर कुछ ट्वीट किए जो मूर्खतापूर्ण कहे जा सकते हैं। महातिर ने ट्विटर पर लिखा कि फ्रांस ने अतीत में मुसलमानों पर अत्याचार किए हैं, इसलिए मुस्लिमों को पूरा अधिकार है कि वो लाखों फ्रांसीसियों को मौत के घाट उतारे। एक देश के प्रधानमंत्री रहे 95 साल के नेता से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। ट्विटर ने भड़काऊ मानकर इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। मलेशिया के अलावा पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसे देशों से ऐसे बयान आ रहे हैं जो हमलों को उकसावा देने वाले हैं। अब आते हैं इस पर कि कट्टर इस्लाम के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस का साथ कौन दे रहा है। नीस में हुए हमले के बाद यूरोपीय यूनियन के देशों और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस से सहानुभूति जताई और फ्रांस को सबसे मजबूत समर्थन मिला भारत से। हमले के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, फ्रांस के नीस में चर्च में आज हुए हमले के साथ ही हाल में हुए आतंकी हमलों की मैं कड़ी निंदा करता हूं। पीड़ितों और फ्रांस के लोगों के साथ हमारी गहरी संवेदना। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के बयान
की भी बिना नाम लिए निंदा की थी। जब फ्रांस और मुस्लिम देशों के एक झगड़े पर ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे कई देश क्लियर स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो भारत ने फ्रांस के साथ होने का अपना स्टैंड साफ जताया है। इसके अलावा भारत ने दिल्ली में फ्रांस के दूतावास और स्टाफ की सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और पुदुचेरी में फ्रांस के वाणिज्यिक दूतावासों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी कर विदेश में रह रहे अपने नागरिकों से कहा कि वो किसी भी संभावित हमले से चौकन्ने रहें। इस पूरे घटनाक्रम के बीच गुरुवार को भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी पेरिस पहुंचे। वो राष्ट्रपति मैक्रों के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोन से मिले। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक इंस्टीट्यूट में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस उग्रवाद और आतंकवाद के एक जैसे ही गैर परंपरागत खतरों का सामना कर रहे हैं। लड़ाई खास समुदाय या खास लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि एक अतिवादी राजनीतिक धार्मिक विचारधाराओं के खिलाफ है जो सेक्युलर देशों में प्रोग्रेस के विरोध में आती है। हालांकि भारत ने अपने किसी भी बयान में पैगंबर के कार्टून या कार्टून बंद ना करने के फ्रांस के फैसले का जिक्र नहीं किया। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश कार्टून के मामले में फ्रांस का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कट्टरपंथ या आतंकवाद के खिलाफ ही ये समर्थन आ रहा है। और मुस्लिम देशों का झगड़ा भी फ्रांस से पैगंबर के कार्टून दिखाने के मामले पर ही है। फ्रांस के सेक्युलरिज्म के हिसाब से वहां ईश निंदा का अपराध नहीं है। फ्रांस में जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाए गए, वैसे ही जीसस क्राइस्ट का भी मजाक उड़ा जा सकता है। और ये छूट फ्रांस में अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर फ्रांस का कानून देता है। वैसे ही जैसे ईरान अपने कानूनों का हवाला देकर बिना हिजाब साइकिल चलाती लड़की को जेल में डाल देता है, वैसे ही जैसे पाकिस्तान के संविधान में मुस्लिमों को गैर मुस्लिमों से ज्यादा हक है, वैसे ही जैसे सऊदी अरब में धर्म को नहीं मानने वाले एथीस को आतंकी माना जाता है, उसी तरह फ्रांस में भी सेक्युलरिज्म का मजबूत कानून है। जैसे दुनिया सऊदी अरब, ईरान या पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों के कानून नहीं बदलवा सकती, वैसे ही फ्रांस भी कह रहा है कि वो मुस्लिम देशों के दबाव में आकर अपना कानून नहीं बदलेगा। फ्रांस कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनके देश के अपने मूल्य हैं, वो किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते, किसी समुदाय को धर्म के आधार पर टारगेट नहीं करते, लेकिन वो अपने कानूनों मान्यताओं पर अडिग रहेंगे। और अपने इस आदर्शों के आधार पर ही फ्रांस के राष्ट्रपति ने कार्टून के समर्थन वाली बात कही। फ्रांस का सेक्युलरिज्म उनका घरेलू मामला है, इसलिए हम उस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अब देखना होगा कि फ्रांस और कट्टर इस्लाम की यह लड़ाई कहां तक जाती है। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी न्यूजीलैंड से है। इच्छा मृत्यु को लेकर हुए जनमत संग्रह के शुरुआती रुझान आने लगे हैं। शुरुआती नतीजों में 65.2% लोगों ने इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने पर सहमति जताई है। अंतिम परिणाम 6 नवंबर को जारी किया जाएगा। हालांकि जैसे रुझान है, परिणाम में अंतर की संभावना काफी कम है। अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो 6 महीने से कम जिंदगी की संभावना वाले बीमार व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार मौत चुन सकते हैं। इसके लिए 2 डॉक्टरों की मंजूरी जरूरी होगी। अभी नेदरलैंड्स और कनाडा में ही इच्छा मृत्यु वैध है। दूसरी सुर्खी रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान से है। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने में ताइवान की मिसालें दी जा रही हैं। यहाँ पिछले 200 दिनों से एक भी लोकल ट्रांसमिशन का मामला सामने नहीं आया है। लोकल ट्रांसमिशन का पिछला मामला 12 अप्रैल को सामने आया था। ताइवान की आबादी लगभग 2.3 करोड़ है। 29 अक्टूबर तक ताइवान में कोरोना के 553 मामले थे। इस संक्रमण से केवल 7 लोगों की मौत हुई है। जहां यूरोप के कई देश नए सिरे से लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 2,00,000 के पार पहुंच चुका है। ताइवान बाकी देशों को राह दिखा रहा है। आज की तीसरी सुर्खी सेनेगल से है। लगभग 200 प्रवासियों को स्पेन ले जा रहा एक जहाज डूब गया। इस हादसे में कम से कम 140 लोग लापता हो गए हैं, जबकि 59 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी IOM के अनुसार सेनेगल के तट से चलने के कुछ घंटे बाद ही इसमें आग लग गई थी। ये इस साल समंदर में प्रवासियों के डूबने का सबसे भीषण हादसा है। सेनेगल सरकार और IOM ने मिलकर बचे हुए प्रवासियों को मदद पहुंचाने के लिए मिशन शुरू कर दिया है। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी है हमारे तारीख सेक्शन की। आज है 30 अक्टूबर। इस तारीख का संबंध एक सनकी तानाशाह की जिद से है, जिद जो उसके पतन की वजह बन गई। वो अपने पड़ोसी देश को जीतने निकला था, लेकिन बाजी ऐसी पलटी कि उसे अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। ये कहानी है युगांडा के ईदी अमीन की। गुलाम युगांडा में पैदा हुआ एक लड़का जिसने रसोइये के तौर पर अपना करियर शुरू किया। मजबूत कद काठी की बदौलत सैनिक बना। लगभग एक दशक तक युगांडा का बॉक्सिंग चैंपियन भी रहा।
अक्टूबर 1962 में युगांडा आजाद हो गया। ईदी अमीन पर वॉर क्राइम का आरोप लगा, सजा देने की तैयारी होने लगी, लेकिन प्रधानमंत्री मिल्टन ओबेटे से दोस्ती ने उसे बचा लिया। ओबेटे ने ईदी अमीन को सेना में रुतबा दिया। अमीन ने बदले में ओबेटे को राष्ट्रपति बनने में मदद की। 70 के दशक की शुरुआत में यह समीकरण बिगड़ने लगा। अमीन का पर कतरने की कोशिश की गई। गुस्से में ईदी अमीन ने मिल्टन ओबेटे के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राष्ट्रपति मिल्टन ओबेटे एक सम्मेलन में हिस्सा लेने सिंगापुर गए। वापसी में पता चला युगांडा में उनकी एंट्री बैन हो चुकी है। मजबूरन मिल्टन ओबेटे को पड़ोसी देश तंजानिया में शरण लेनी पड़ी। तभी से तंजानिया ईदी अमीन की नजरों में खटक रहा था, लेकिन जवाब देने में 7 साल लगा दिए। इस बीच में अमीन ने कई अजीबोगरीब डिसीजन लिए। 90 दिनों में सारे एशियाई लोगों को युगांडा से बाहर निकालना हो या इजरायली प्लेन का अपहरण करने वालों को अपने एयरपोर्ट पर जगह देना, दोनों ही बार ईदी अमीन को हार झेलनी पड़ी थी। इकोनॉमी के साथ साथ युगांडा के विदेशों के साथ रिश्ते भी बिगड़े। देश की हालत खराब थी। 1978 आते आते कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। अमीन को अपनी कुर्सी खतरे में दिखी। तब उसने अपना अंतिम अस्त्र निकाला, तंजानिया पर हमले का प्लान। इससे उसके कई हित सत्य थे। पहला, जनता का ध्यान असली समस्या से भटकाना। दूसरा, तंजानिया की जमीन पर कब्जा करके खुद को पावरफुल साबित करना। और तीसरा, निर्वासन में रह रहे दुश्मनों को सजा देकर अपनी सत्ता मजबूत करना। सितंबर 1978 में अमीन के लड़ाकू विमान तंजानिया की सीमा पर बम गिराने लगे थे। तंजानिया को हमले का अंदेशा नहीं था, जवाबी कार्रवाई में देर हो गई। 30 अक्टूबर 1978 को युगांडा के 3,000 सैनिक तंजानिया की सीमा में घुस आए। उन्होंने जबरदस्त मारकाट मचाई, सैकड़ों मासूम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। अब तंजानिया के सब्र का बांध टूट चुका था। तंजानिया ने इस हमले का जवाब देने के लिए अपनी सेना को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई युगांडा नहीं बल्कि ईदी अमीन के खिलाफ है। साफ था कि वो ईदी अमीन को सबक सिखाने की तैयारी करके आए थे। ईदी अमीन की सेना 19 साबित हुई। कई सैनिकों ने बीच में ही विद्रोह कर दिया और दुश्मन खेमे में मिल गए। हर मोर्चे पर युगांडा की सेना मात खा रही थी। अप्रैल 1979 में युगांडा की सेना ने समर्पण कर दिया। 13 अप्रैल को ईदी अमीन देश छोड़कर भाग गया, पहले लीबिया और बाद में सऊदी अरब में उसे शरण मिली। 2003 में रियाद के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ये था आज का दुनियादारी शो। अब चलते चलते विश्व कविता में आपको सुनाते हैं व्लादिमीर मायकोव्स्की की कविता। मायकोव्स्की ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं कॉक्सस में पैदा हुआ, यूक्रेन से मेरी माँ थी और मेरी मातृभाषा जॉर्जियन थी। मुझमें ये तीनों संस्कृतियां समाहित हैं। 14 साल की उम्र में उन्होंने सोशलिस्ट प्रदर्शनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और जैसा कि जाहिर है बहुत कम उम्र में ही उनका झुकाव मार्क्सिस्ट साहित्य की ओर हो गया था। राजनीतिक सर्कल में उन्हें कॉमरेड कॉन्स्टेंटिन कहकर पुकारा जाता था। 1909 में उनका नाम महिला एक्टिविस्ट को जेल से भगाने के मामले में सामने आया और उन्होंने 11 महीने की जेल भी झेली। मॉस्को की जेल में उन्हें 11 महीनों के दौरान मायकोव्स्की ने कविताएं लिखना शुरू कर दिया। अपनी ऑटोबायोग्राफी में मायकोव्स्की लिखते हैं कि जेल में कविता और क्रांति मेरे जहन में उलझकर एक हो गई। जेल से निकलने के बाद भी वो कट्टर सोशलिस्ट रहे, मगर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और पढ़ने लिखने में लग गए। 14 अप्रैल 1930 को मायकोव्स्की की पार्टनर जैसे ही बाहर जाने के लिए फ्लैट से निकली, उन्होंने अंदर से गोली चलने की आवाज़ सुनी। अंदर गई तो उन्होंने देखा कि मायकोव्स्की जमीन पर मृत पड़े थे। जब उनके शरीर से गोली निकाली गई तो वो उनके हाथ में जो पिस्तौल थी उससे मैच नहीं हुई। पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने 2 गोलियों की आवाज़ सुनी थी। नतीजतन मायकोव्स्की की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई जो अभी तक नहीं सुलझी। आइए सुनते हैं उनकी कविता हमको दो वो ओजस कविता, जिसका अनुवाद किया है हिंदी कवि केदारनाथ अग्रवाल ने। हमको दो वह ओजस कविता, जिए एक युग तक जो जग में। नहीं निरर्थक वह दो कविता, जो ढलुआ हो और ढकी हो। वह कविता दो जो गुंजाही करे निरंतर, जो कि हमारे प्रजातंत्र की और समय की गौरव कृति है। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण।
ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।